नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉकर सिविल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से चेयर बार्स का क्वांटिटी निकाल सकते हैं, उसका कितना नंबर सब चेयर बार्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे निकाला जाता है, वो बेसिकली इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी तक मेरा चैनल रॉकर सिविलियन को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ में लाइक करें, शेयर करें। अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेसिकली रैफ्ट शूटिंग में पकड़ रहा हूँ। रैफ्ट शूटिंग में कितना नंबर सब चेयर हम प्रोवाइड करेंगे वो मैं आप लोग का आज निकाल के बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा रैफ्ट शूटिंग है, ये अपर एनफोर्समेंट का डाया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये मेरा बॉटम बार है। बॉटम बार, बॉटम रेनफोर्समेंट, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये मेरा टोटल डेप्थ हो गया विच इज इक्वल टू 1 मीटर। ये मेरा हो गया 3 मीटर और इसका मैं टॉप व्यू बना लेता हूँ। ये जो मेरा टॉप व्यू, ये इसका जो लेंथ है 3 मीटर है और इसका जो विड्थ है वो 3 मीटर है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो इसका जो चेयर्स निकालने का नंबर ऑफ चेयर निकालने के जो स्टैंडर्ड डाटा है वो मैं आप लोगों को बता दें, उसके बाद जो इजीली हम क्या करेंगे नंबर ऑफ चेयर्स हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। वन नंबर ऑफ चेयर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमको वन नंबर ऑफ चेयर्स प्रोवाइड करनी है। तो वो 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम बात करें, लेंथ मेरा 1 होना चाहिए और विड्थ मेरा 1 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर 1 मीटर स्क्वायर इट रिक्वायर्स 1 नंबर ऑफ चेयर्स। तो हम इसको क्या करेंगे, रैफ्ट फुटिंग का सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रैफ्ट फुटिंग थ्री मीटर इंटू 3 मीटर विच इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर एज पर द स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 नंबर ऑफ चेयर बार। एक चीज़ मैं बता दूँ, चेयर बार को जनरली हम रीबार स्पेसर भी बोलते हैं और स्टील चेयर भी यूज बोलते हैं। ठीक है, साइड में जनरली यूज सिर्फ होता है वो चेयर यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर 9 मीटर स्क्वायर के लिए 9 नंबर ऑफ चेयर बार यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। सिंपली हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद उसका हम एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर में जो मेरा यूज़ होगा 1 नंबर ऑफ चेयर बार यूज होगा, सिमिलरली उस एरिया के हिसाब से मेरा उतना होगा। तो यहाँ पर जो मेरा रैफ्ट फुटिंग का जो डायमेंशन पकड़ा था, लेंथ पकड़ा था 3 मीटर, विड्थ पकड़ा था 3 मीटर, उसका एरिया निकाला 9 मीटर स्क्वायर। तो फॉर 1 मीटर स्क्वायर 1 नंबर ऑफ चेयर बार, फॉर 9 मीटर स्क्वायर 9 नंबर ऑफ चेयर बार्स, इतना 9 नंबर ऑफ चेयर बार हम यूज़ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करें, फिर नए वीडियो आप लोग को हर एक एवरी मॉर्निंग एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।